अनिला सिंह अच्छा भाई, साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, चाहे जो करना पड़े, उस बेटी को इंसाफ नहीं दिलाना है, यह लगता है कि सरकार ने वहां तय कर रखा है। मेरी सबको राम राम। और मुझे वो पंक्तियां याद आ रही हैं जिसमें लिखा गया था कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़क उठा लो, खुद ही अपना चीर बचा लो, छूट बैठे बिछाए बैठे हैं शकुनिया। तो पश्चिमी बंगाल में तो यही हालत है, वहां की एक एक महिला वोटर जिसने ममता बनर्जी को चुनावों में, चाहे वो राज्य के चुनाव हो चाहे वो पार्लियामेंट के चुनाव हो, जो वोट दिया उसका नतीजा ये आया कि कभी संदेश खाली होता है तो कभी कलकत्ता में एक डॉक्टर बेटी के साथ इतना घृणित कार्य हो जाता है। वहां की पुलिस कहती है कि आत्महत्या, वहां का प्रिंसिपल कहता है कि आत्महत्या, हमारे पश्चिमी में कहा जाता है कि भूस पे लीपने का प्रयास, यानी कि सारी की सारी चीजों को दबाने की कोशिश। हाँ, उसके सामने एक फेक पिक्चर, झूठी तस्वीर दिखाने की कोशिश इन्होंने प्रयास किया। ममता बनर्जी जी जो कि वहां की हेल्थ मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर, इनकी सरकार ने, इनके तंत्र ने वहां पर सब कुछ छुपाने का प्रयास किया, ये दिखाने का प्रयास किया। अरे सारी कमी तो उस लड़की में थी जिसको रात में सोने के लिए कोई ऐसी जगह भी नहीं होती थी कि दो पल आंख बंद कर ले, 36 घंटे से वो लड़की ड्यूटी पे थी। और वो निकम्मा प्रिंसिपल जो है, जिसका स्वभाव क्या था, अभी आपने भी अपने चैनल पर सुना दिया था, क्या पता षड्यंत्र में उसका कितना हाथ, उसका मुकदमा लड़ने के लिए मिस बनर्जी की पूरी सरकार, प्रवक्ता, पार्टी सारे के सारे खड़े हो गए। अरे फूटे मुंह से एक बार ये नहीं निकल रहा है कि बेटी थी वो, बेटी थी, छोड़ो राजनीति, जो उसके साथ हुआ है वो मेरे घर की बहन बेटी के साथ हो तो कैसा लगेगा यार। सोचा है कभी भीड़ में चलते चलते अगर कोई गैर मर्द हाथ भी छू देता है किसी बच्ची का, उस बच्ची को कैसा लगता है। ममता बनर्जी को समझ में आती है ये बात, या उनके भतीजे ने, या उनकी पत्नी ने, या उनकी कोई भी महिला रिश्तेदार ने नहीं समझाई। वो तो बहुत बड़ी नेता है भाई, हमेशा से बहुत संघर्ष करने वाली नेता बनकर रही है, बाटा चप्पल पहनकर, खादी साड़ी पहनकर ड्रामा। जिस राज्य में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जिस राज्य में, जिस कॉलेज में, जिस मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल जो है दारू पीता हो, भ्रष्टाचार करता हो, उसको बचाने के लिए, उसके लिए धरने पर बैठने के लिए पूरा तंत्र, पुलिस, मुख्यमंत्री, सरकार उतर आए, वहां के जो सांसद हैं वो ये कहें कि भैया तुम अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ घूम रही हो, गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो, हाँ तुम्हारे ऊपर भीड़ का गुस्सा फूटेगा तो हम नहीं जानते हैं, उंगली तोड़ देंगे अगर ममता बनर्जी की तरफ उंगली उठाई। और एक बड़े पत्रकार की पत्नी, माफ करिएगा 5 सेकंड और दे दीजिए, बड़े पत्रकार की पत्नी जो कि टीएमसी से सांसद है, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, वो खुद भी पत्रकार रही है, आज बैठकर चाकरी कर रही है ममता बनर्जी की। हाँ, उनको बहन बेटी नहीं दिखाई दे रही। बादल देवनाथ, बहुत सारे सवाल हैं और जो ज्यादा सवाल हैं वो इस बात को लेकर हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर पूछा कि भाई एक एक प्रिंसिपल जिस पर इतने गंभीर, इतने संगीन आरोप हों, उसके साथ इतनी हमदर्दी क्यों भाई, उसका उसने दो दो बार अपना ट्रांसफर रुकवा लिया, और अगर इस इतने बड़े घटना के बाद अगर उसने खुद इस्तीफा दिया, खुद वहां से रिजाइन किया, तो उसको उसको उससे बड़े अस्पताल में उसको पोस्टिंग देकर के उसको रिवार्ड दिया गया। भाई ये दिखाता है ना कि कम से कम उस प्रिंसिपल को लेकर के पार्टी और सरकार क्या सोचती है तो स्पष्ट दिख रहा है, जिसकी की पूरी भूमिका पर 100 तरह के सवाल है। रंजीत जी घूटे में नहीं, पहले तो बोलूंगा आपको तो पार्टी के स्पोक पर्सन मिल गया, आप तो मेरा कोई जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ अनिला जी के साथ बहुत प्रोग्राम मैंने किया 8-10 साल में, लेकिन अनिला जी आज जो महाराष्ट्र में जो हुआ बदलावपुर पे, हजारों लाखों लोग निकल गए एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, और उसके साथ अनिला जी बंगाल के जो राज्यपाल है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट पे एक दो महिला, एक महिला का महिला रेप के आरोप लगा, उसका भी केस चल रहा है। राज्यपाल छह महीने से क्या कर रहा है बंगाल पे आपको पता नहीं है, लेकिन पता कर लीजिए, राज्यपाल भाजपा के है, लोग है। तीसरा बात है काल उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, एक दलित महिला को कितना बड़ा अत्याचार हुआ, लेकिन आपने ये शब्द नहीं बोला। हरियाणा में 2 दिन पहले क्या हुआ, एक महिला के ऊपर जो अत्याचार हुआ, अनिला जी ये तो भाजपा का प्रशासन है, भाजपा का गवर्नमेंट है, लेकिन भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं कहते, लेकिन ममता दीदी के खिलाफ हजारों जो कंप्लेन है सब
सब लेके आप लोग कहते हैं नहीं, बादल लेकिन देवनाथ, ममता भी तो बार बादल बार देवनाथ, आप अनिला जी के सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप नहीं, आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं ना। ममता दीदी तो नहीं, बादल देवनाथ, आप उन सवालों का जवाब नहीं दे रहे जो हमने आपसे पूछा। एक मिनट, बादल देवनाथ, बादल देवनाथ भाई, बदलापुर में आप कह रहे हैं, बदलापुर में जो हुआ आप उसका हवाला दे रहे हैं भाई, तो बदलापुर में अगर कोई गलत, एक मिनट मेरी बात सुनिए बादल देवनाथ, बादल देवनाथ एक मिनट मेरी बात तो सुनिए, क्या अगर बदलापुर में कुछ गलत हुआ है तो क्या इससे आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप बंगाल में जो करेंगे उसको, उस पर सवाल नहीं किए जाएंगे? क्या इससे लाइसेंस मिल जाता है? और पर रही बात बदलापुर की, तो बदलापुर में प्रिंसिपल सस्पेंड है, वहां सहायक सहायक टीचर सस्पेंड हो चुका है, इंस्पेक्टर का तबादला हो चुका है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो चुका है, ये सारी चीजें हो चुकी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने क्या किया प्रिंसिपल के खिलाफ? आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, उसका जवाब दे दीजिए ना। एक दलित महिला के ऊपर बच्चे को बच्चे रेप हुआ है, उसके खिलाफ भी एक शब्द नहीं बोला। आज कल हरियाणा में, परसों हरियाणा में जो हुआ उसके खिलाफ भी अविनाश सिंह ने एक शब्द नहीं किया। लेकिन बंगाल के खिलाफ, बंगाली संस्कृति के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ, ममता बनर्जी को छोटा करना, पार्टी को छोटा करना, यही है भाजपा का, भाजपा काम। देखिए राज्यपाल वहां पर चला गया, मैंने सुना है एक लेटर भी राष्ट्रपति को दे दिया और उपराष्ट्रपति को दे दिया, बंगाल में राष्ट्रपति शासन चाहिए। रंजीत सर, ये राज्यपाल जिसके खिलाफ रेप का आरोप है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन वही राज्यपाल बंगाल में पीछे से सरकार चलाने की कोशिश कर रहा है और सरकार को गिराने का कोशिश कर रहा है, वही राज्यपाल नहीं, नहीं। बादल देवनाथ, बादल देवनाथ, सारे सारे सवाल, सारे सवाल आपके एक आरोप किए ममता सरकार के खिलाफ साजिश है, ऐसा कह देने से सारे सारे सवाल खत्म नहीं हो जाएंगे। बादल देवनाथ, उस सारे सवाल खत्म नहीं होंगे। प्रोफेसर एस के दत्ता, मैं कह रहा हूं कि भाई सारे सवालों का एक जवाब है बादल देवनाथ के पास कि ममता सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है। क्या सारे सवाल ऐसे दरकिनार कर दिए जाएंगे? सबसे पहले तो उस डॉक्टर देवी को शत शत नमन जिन्होंने बलिदान दिया है और जिस तरह का घिनौना हत्या हुआ है, बलात्कार हुआ है, और मैं मानता हूं कि ये सामूहिक बलात्कार है, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है। फेक न्यूज के बारे में उल्लेख किया जा रहा था, फेक न्यूज के बारे में कहा जा रहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तमाम जितने सारे सवाल पूछे हैं, वही सारे सवाल पूरे देश भर में जनता पूछ रही है। फेक न्यूज क्या है? आपने जो प्रिंसिपल को तुरंत तबादला करके दूसरे जगह पे पोस्टिंग कर दी, वो क्या वो फेक न्यूज था? आपने जो आरजीकर हॉस्पिटल के सामने लाठीचार्ज करने की कोशिश की और लाठीचार्ज किए, क्या वो फेक न्यूज था? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। आपने जो एविडेंस मिटाने की कोशिश की, सेमिनार हॉल के बगल में जो कंस्ट्रक्शन है आनंद फनन में शुरू कर दिया, जिसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट एंड द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने सवाल पूछा, यही सवाल जनता पूछ रही थी, क्या वो फेक न्यूज है? इसके